Look out, here she comes. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल यार। आज हो गई है 17 तारीख और आज का दिन है लास्ट दिन सेठी साहब के अंदर रहने का। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया यार कि ही वाज ऑल फाइन। मतलब थोड़े सिम्टम्स थे जो कि रेगुलर कोल्ड कफ वाले, फीवर वगैरह थोड़ा टाइम के लिए था, बट थैंकफुली अब चीज़ें ठीक हैं, ही इज़ बेटर। आज शाम को या प्रॉब्ली कल सुबह ही कम आउट ऑफ द रूम। आज है थर्सडे यार, मेरा फास्ट है। लास्ट थर्सडे मैंने नहीं रखा था बिकॉज आई वॉज इन वेल। वो आज बस अभी रिदा की क्लास कराई है, राहुल इज स्टिल स्लीपिंग। अभी रिदा को अभी टीवी चला के बिठाया है थोड़ी देर तक ताकि मैं अपनी पूजा कर सकूँ। पूजा करने के बाद चाय बनाते हैं फिर चाय पीते हैं। आई डोंट नो यार, आज टुडे आई गॉट अप विद अ वेरी हैवी हेड, मतलब हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। चाय के बाद कुछ लेते हैं दवाई वगैरह। नीचे चलते हैं भाई, देखते हैं क्या हो रहा है। अम्मा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल जी? नमस्ते। नीचे नहीं आई अभी? उसको अभी अभी नहीं भेजूंगी। अच्छा। हाँ, राहुल निकल जाए एक बार फिर भेजते हैं। ठीक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बस अभी करिए पूजा वूजा। मॉर्निंग, बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है? हाँ, तबीयत तो एकदम ठीक सर। गुड मॉर्निंग सर। आप दिखे नहीं सर। मैं सर बहुत बढ़िया, आप बताओ। तेरी बुआ के जम्मू से फोन आ रहे हैं भैया। हाँ, ध्यान दे रहे हो? कोई बात नहीं, धूप में बैठे। हाँ, कोई बात है ही नहीं, हमें तो क्या बैठा ना हो तेरे वो उसमें, ऐसा लग रहा है कि परेशान सा है। लोग में लोग कह रहे तुम इतनी पॉजिटिव फैमिली हो, तुम बीमारी में भी खुश हो, हंस रहे हो, पर तू घबराया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, उनको गलत लग रहा होगा। दाढ़ी शेव कर ली ना? हाँ, और क्या, शेव करके मैं तो फ्रेश बैठा हूँ एकदम। हाँ, और आप बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है। शुगर शुगर कर रहे हो कंट्रोल में? अच्छा, और खाने पीने में भी कंट्रोल है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस एक दिन रह गया कल का, मतलब आज का, कल आ जाएंगे मास्क पहन के आपके पास, ठीक है ना? मास्क तो पहना ही हुआ है। हाँ, पोती और दादू को मिस कर रहे हैं सब। राइट, आपकी नींद पूरी हो रही है? आंखें बंद बंद सी लग रही है, ठीक है ना? मेरा पराठा आ गया था यार, मैं सॉरी खा चुका हूँ आधा। आलू का पराठा बना था आज। बस यार दिन का शुरुआत कर रहे हैं। इन लोगों ने क्लास से, मैंने क्लास करवा दी थी रिता की, सुबह उठ रही है जल्दी वो। बस अभी दोनों बैठे हैं फन कर रहे हैं। बस इतनी कंसिडरेट है ना रिता। रिता कह रही है उससे, मम्मा आप लेट जाओ, मदर्स डे नहीं है बेटे आज। तो कह रही है आप इतने दिन से लगी हुई हो तो आपकी मैं मसाज करती हूँ। आज दो खीरे काट के रखे हैं उसके आँखों पे रिलैक्स करने के लिए। मुझे फुल पैम्पर करती है। और इसका व्रत भी है तो फ्रूट आए हुए हैं, फ्रूट खा रही है और ये नारियल पानी कटा हुआ है। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए भाई अगर होना। वेरी गुड रिदा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। आई लव यू रिदा। आई कैन गो वेयर? ये दोनों ही नहीं चाहती मुझे अपनी जिंदगी में। तो कुछ नहीं, हमने तो निकाल रहा था, हमने कहा था उसका टोन पे। मैं बोले पार्लर है, बॉय पार्लर में नहीं आ सकता, जाओ। अच्छा पार्लर है ये? हाँ जाओ। ओके ओके, आई एम गोइंग। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? आज सुबह शूट वूट नहीं किया है बट एक घंटे में अब मैं सीरीज आपको बाहर निकालने वाली हूँ और उनके लिए कुछ खास तैयारी करी है यार, आपको दिखाऊंगी। आई होप ही लाइक्स इट एंड ही इन्जॉयज इट। सो अभी मैं नीचे जा रही हूँ बिकॉज भूख लग रही है बहुत ही ज़ोर से और मम्मा ने पराठे बना दिए हैं, उनका भी मुझे नीचे से आवाज आई। चलो तुमको लेकर चले हम नीचे। ये ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही है। मैं आई थी, हाँ हाँ, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा देख के आऊँ, फिर मैंने बादाम भी खाए। बन गई परौठियाँ और मैं सोच रही हूँ आज राहुल को
अभी बाहर निकाल देते हैं और मैं सोच रही हूँ उसके लिए तैयारी कर रखे। गजब की रोटी मम्मा ने दी है प्यार से और बहुत सारा घी डाला है इसमें, अब खाएंगे। ये है मेरी रोटी उड़ते हुए। तो दोस्तों सेठी साहब ले रहे हैं अपनी पावर नैप, देखते हुए आई होप ही स्लीपिंग। तो अभी पहले ना मैं पाथ रेडी कर रही हूँ, इसलिए मेरी मोमबत्तियाँ हो जाती है, अदरवाइज मोमबत्तियाँ तो सारी वो हो जाती है। अभी पहले पाथ रेडी कर रहे हैं एंड फिर दिखाते हैं। सो गाइज लाइट्स ऑन हो गई हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, तब हम राहुल को जगाते हैं। राहुल पापा, राहुल पापा, ये भी उठ जाओ यार, टाइम हो गया, प्लीज गेट अप। टाइम हो गया आपके उठने का बीबी। रिदा क्यों आ रही है पास? हो गया बेटा, रिदा अब आपके बहुत पास रहने वाली है। उठो चलो, हो गया, उठ जाओ, उठो जल्दी उठो। उठो भाई, उठो भाई। अरे क्रेंच क्यों मार दी अपनी अम्मी से? हाँ फिर छोटा सा हमने सरप्राइज प्लान किया है बेबी। We love you. चलो पापा का हाथ पकड़ के लाओ। ठीक होने वाली हो कोरोना से। मैं आ रहा बाहर आ जाओ। हाँ हाँ बेबी बाहर आ जाओ। वाओ थैंक यू सो मच। आओ बेबी, मंदिर भी जाना है। हाँ बेबी अरे 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 फॉलो द पाथ, बाबरा मंदिर चला एक। ये बेटा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे ये। हमारे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं? ये देखो मैं थॉटफुल हो यार तुम। हाँ इतना प्यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शायद मतलब मेरे लिए कभी भी नहीं हुआ होगा जिंदगी में आज। और हुआ तो कहाँ लाके मुझे खड़ा कर दिया। तो बेबी हाँ रिदा बोलो बोलो। कोई कैंडल बुझी नहीं होनी चाहिए ना। नहीं नहीं कोई कैंडल वो देखो बुझी भी है, कोई बात नहीं, मैं उसे जला देती हूँ। यहाँ पे पहुंचना था, बुझी भी है तो कोई बात नहीं। और आप भी मम्मा के साथ मिल गए रिदा, मेरे से क्या बर्तन साफ कराओगे बाहर ला देंगे। बेटा मुझे आपको हॉगी करनी चाहिए, आप मेरे को नहीं। अभी मैं कोरोना से ठीक हो गया, लास्ट डे था। बट थैंक यू सो मच सर। मेरी जानू ये तो यार सब मजाक है, बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर आउट ऑफ इट। मुझे कान क्यों कर बहुत फूक आप आ गए हो। बस करो, थैंक यू सो मच। दादा कैंडल्स बुझा दो दिया और इतना काम किया, इतना काम किया आपने, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आ गया हूँ सब, आप ये शुरू हो जाओ बेबी बात। धन्यवाद धन्यवाद बहुत ठीक है, ठीक है। Sethi saab is so happy to see the surprise guys and he is out of the quarantine zone और अब वो अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। मैं अपने पास जो मैंने इतने टाइम से चाबियां रखी थी घर की तिजोरी की, वो सब सौंपने जा रही हूँ, अपने सर से उतारने जा रही हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज। हेलो सेठी साहब, सर मेरा आ रही है, आदमी कैसे रो रहा है? मैं वापस आऊंगा। नहीं नहीं सर आप आ जाओ, आ मेरा बेटा आ जा आ जा। तो अब मैं पूरी अपनी जिम्मेदारियां मैं आपको सौंपती हूँ। ऐसा ग्रैंड वेलकम मिला किसी को कभी? देखना नींद से उठा के इतना अच्छा सरप्राइज की क्वारंटीन से बाहर आने के बाद क्या मिला मुझे। आपको मिल सकता कभी ऐसा? कभी नहीं। I'm so lucky and blessed. Lucky in love. हाँ राहुल। हाँ। आप कोरोना से भारी हो गए हो तो अंबाला चलोगे मेरे साथ? आप ले जा रहे हो मुझे? हाँ ले जा रहे। कब? आज ही चलते हैं। नहीं उसमें तो बहुत दिल लग जाएगी, परसों या कल चलते हैं।
परसों चले? ठीक है, मैं मम्मी से बात कर रहा था वहाँ पे माला में, मैं फिर आ रहे हैं, कहते थोड़ा ठीक हो जाओ अच्छे से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से ठीक हो जाओ फिर आना। सबको डर लगा हुआ है कि अभी गया है कि नहीं गया, और उन्हें ये भी पता है कि ये तो उठ के आ जाएंगे अभी। हमारा तो सीन भी ऐसा है ना कि हम तो फट से पहुंच जाते हैं कहीं पे भी, बट जाना पड़ेगा भाई, अभी बहुत बहुत ज्यादा हो गया दिन घर में अपना। सिमर इज ऑल्सो फीलिंग डाउन डाउन, क्योंकि वो घर पे थोड़ी सी वैसे हो रही है कि इसको ना हर डेढ़ दो महीने में, दो नहीं तीन महीने मैक्स होगा, तीन महीने में ना इसको अंदर से ना घबराहट शुरू हो जाती है। जब तीन महीने नहीं हो जाते ना, मैं कहीं घूम गए भाई, तो ये इसको हो जाता है राहुल कहीं ले जा, राहुल कहीं ले जा। एंड इट हैज बीन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, मतलब जब से हम फ्लाइंग करते हैं ना, तब से की बात कर रहा हूँ मैं, तभी हमारे इतने सारे ट्रिप्स हैं कि कोई हिसाब नहीं है। मतलब साल साल में तीन तीन चार चार पाँच पाँच ट्रिप्स भी मारे हुए हमने, तो ठीक है उसको, दैट इज़ दी ओनली वे शी यू नो रीजुबिनेट्स हरसेल्फ। तो शॉपिंग नहीं करती है, कुछ और शौक नहीं है इसको, मेकअप का नहीं है, बट शी लव्स गोइंग आउट। सो लेके चलते हैं इसको और घुमा के लाते हैं कहीं। डन है सर, डन। ठीक है हाँ। चलो देखो कौन आया, कौन नजर आया, आया आया, कौन नजर आया, बर्तन धो दे राहुलिया। कैसा लग रहा है? हाँ बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, कैसा लग रहा है? घर जैसा लग रहा है। क्या हुआ? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। मुझे इतने अच्छे लग रहे बेबी, इतना प्यार तुम पे कभी नहीं आया बेबी। बर्तन धो रहे बेबी, आई मिस यू सो। चांद कितना चल रहा है आज? दो चांद आए हैं, एक बाहर स्काई में और एक कमरे से बाहर, और कमरे से बाहर। आई लव यू यार बेबी, आई मिस यू सो मच। पता फॉर For this only, or what for? For you have the audacity to ask me for this only. I was missing you here. Guys, jokes हैं ये सब, ठीक है? Don't take them to your heart. कल negative comments से मर के लिए। हाँ, तुम भी ऐसे शुरू हो जाते हैं इन्होंने से मोर, हाय कितनी गंदी, हाय राहुल से सारा काम करा लिया, हाय नहीं सच्ची। मेरे चाहने वाले जितने लोग मैं लाई हुई है जी, इतने आंधी है साड़ी दीदी कर दी है हो, मैं ऐदा सी रोज रोज नहीं भांडे मानते होंगे। ये तो सिर्फ आपको की, चलो आपके थोड़ा सा स्ट्रेस हम लाइट कर दे, इसलिए करते हैं हम ये सब। थोड़े दिनों अब मैं आपको खाली हाथ दिखूंगी, कोई बर्तन नहीं, कोई प्लेट नहीं मेरे हाथ में, ऐसे दिखूंगी बस, ऐसे खाते खाते, ठीक है? और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये लेने लगे हैं। So, मैंने ले लिए गाइस, मैंने पापा को भेज दिया, पापा गए हैं मार्केट और वो लेके आ रहे हैं चिकन और मटन। सो कल से शुरू तबड़तोड़ चिकन और मटन दोबारा, और आपको डाइट देंगे, और डाइट देंगे कह रहा हूँ, आपको रेसिपी देंगे। बहुत लोग दादी का सूप मांग रहे हैं भाई, टोमेटो सूप। दादी का सूप नहीं भाई, टोमेटो का सूप। हाँ दादी के स्टाइल का। हाँ। तो जरूर आपको वो भी जल्दी बना के देता हूँ मैं, ठीक है? ओके चलो। मम्मी इसकी केक नहीं लाई ना मेरे, मैं क्वारंटीन से बाहर आया, इसने ना कोई केक ना कोई मफिन मेरे से कटवाया है, तो इसने मेरी बेटी ने मेरे लिए खुद बना दिया। तो उसे भांडे मजवाए, उसको कुछ नहीं। ये लो बेक केक बनाया, मैंगो केक। या यार थैंक यू गाइस, शी इज मेड मैंगो केक फॉर मी, लव यू रिड्सी। एंड दिस पिंक वन फॉर मॉम, पिंक लाइट पिंक, देख रहे हो? एंड दिस फॉर पापा, वाओ, हार्ट शेप। एंड दिस फॉर मॉम। हाय गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये फ्रेम? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम राहुल को छोड़ ही नहीं रहे हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच आपकी लवली विशेस के लिए, गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा ऐसे देखते रहिए हमें, अपना प्यार बरसाते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। गुड नाइट एवरीवन, आई लव यू, जल्दी से मेरे घर आना, सुखी रहो। सो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, आगे भेजो, हो सकता है कि उनको भी पसंद आए चैनल और वो भी देखें। तो डू सपोर्ट अस इन यू नो इंक्रीजिंग आवर रीच एंड टेक अस जल्दी जल्दी टू 1 लाख सब्सक्राइबर। एवरीवन मैंने गीत सुनी है। क्या? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सुबह से ही बोल रही हो और पापा के हाथ हुआ भी ऊंट पहाड़ के नीचे, कल
कल सेठी साहब आपको 8:30 बजे उठे हुए मिलेंगे ताकि ये क्लास करा सके दादा की, और सिमरजीत कौर सोई हुई मिलेंगी, ठीक है जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हाउ हैप्पी आई एम। सो गाइस, आपको समझ में आ रहा है क्या, किस चीज की खुशी है इसको वापस आने की? और आज का स्पेशल शाउट आउट है इसी एक फ्रेम से सैवी बंसल के लिए। सैवी दीदी थैंक यू, बोल दो। सो थैंक्स सैवी, सैवी नाम है आई थिंक। आप कल बताना क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट आप समझ गए हो हमारी भावनाएं समझो। और थैंक यू सो मच फॉर लवली मैसेजेस यार, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं आपके एंड रोज आते हैं। सो वी अप्रिशिएट योर यू नो काइंड जेस्टर ऑफ मैसेजिंग अस, ऑफ कमेंटिंग अस एवरी टाइम, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली विशेस। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ। आई विल डू कट बट चलो बंद कर दे हूं। अरे कहाँ है कैमरा, ये बोल रही थी। अरे ऐसे हाथ रखना होता है। ऐसे नहीं बुद्धू, ऐसे ओके। हाँ, I fall behind, fall behind every time that you're around, and it's a